शारदीय नवरात्रि में एक तरफ जहां पंडालों में मां के भक्तों ने मां की प्रतिमाओं को स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं, वहीं मूर्तिकार भी प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र की सप्तमी के दिन पंडालों में मां के स्थापित की हुई प्रतिमाओं के कपाट खोले जाएंगे। इसके साथ ही भक्त मां के दर्शन और पूजा अर्चन करेंगे। इसको लेकर मां के भक्त और प्रतिमाओं को बनाने वाले मूर्तिकारों ने दिन रात एक कर तैयारी में लगे हुए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मूर्तिकार रंजीत कुमार और इंद्रजीत गौड़ ने कहा, क्या वरदान है कल पे शाम बनू एक तमन्ना है। हमारा नाम रंजीत कुमार है। ये मार्च महीने से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 से 5 महीने का समय लगता है और जो कि इसमें बांस, पूरा पुआल, कांटी, ये सब महंगी महंगी, इसमें तो काफ़ी महंगा हो गया। और सब चीज़ इकट्ठा करने के बाद हम लोग इसकी तैयारी करते हैं और जो कि 4 या 5 महीने के अंदर में इसको बनाया जाता है। मेहनत करने के लिए तो रात और दिन दोनों इकट्ठा कर लिया जाता है। और इस तरह से तो हम लोग 2 लोग हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम 2 लोग मिलकर तैयार करते हैं। और लागत की रही बात तो इसमें 50 से 60 हज़ार रुपये फिलहाल अभी तक लग चुका है और जो कि बाकी तो ग्राहक ही देते हैं और बाकी हम लोगों का इतना लग चुका है। इसके पहले तो हमारे बड़े भैया और हमारे चाचा जी करते थे। अभी हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से हमारे घर में खानदानी में कलाकारी चल रही है और ये सब हम लोग बचपन से ही करना हम लोगों को अच्छा लगता है और यही हम लोग करते हैं। मैक्सिमम तो सर हो ही जाता है, मैक्सिमम तो हम लोग कर ही लेते हैं, हमारे परिवार का खर्चा इसी से चल देता है। 50 हज़ार लगा रहे हैं तो कम से मैक्सिमम तो कमाना ही कमाना, दुगना तो जाएगा ही जाएगा जी। ये तो लगभग 1987-88 की बात है, हमारे पहले चाचा करते थे, उसके बाद हमारे बड़े भैया करते हैं जिनका नाम इंद्रजीत कुमार है, चाचा का नाम राम सुमादे है। वो तो बचपन से ही कर, उनके बाद हम लोग करना स्टार्ट किए। और वैसे मैं शुरू से लेकर लास्ट तक इसमें काम करता हूँ। ये मुख्य काम तो आँख का ही है, आँख जितना बेहतर बनाइए, जितना बढ़िया सेटिंग कीजिए, मुख्य काम वही है। हाथ की कलाकारी सबसे फेमस चीज़ है। इंद्रजीत गौड़, मूर्ति का लागत 50 से 60 हज़ार लागत में आती है 10-12 मूर्तियाँ बनाने में, जिसमें आय व्यय लगभग मान के चलिए कि 50-60-80 ये आय व्यय हो जाता है। चूँकि मूर्तियाँ बनानी तो हमारा लक्ष्य था, जो कि हम बचपन से ही हमारा शौक था कि जैसे लोग किसी को साहब बोलते हैं इसी तरह से हमें मिस्त्री साहब बोलें, यही हमारा लक्ष्य था। हम लोगों के अंदर जागरूकता यहाँ से आई कि देखते देखते दिल में तसल्ली आया कि मतलब हाँ, हम लोग भी ये कारीगरी चालू करें, हम लोग भी मूर्ति का काम स्टार्ट करें। तो कुछ दिनों ने बंगालियों के साथ रहा हम लोगों ने, बंगालियों का साथ छोड़ने के बाद चाचा के साथ रहे, चाचा का साथ छोड़ने के बाद अपना खुद का बिजनेस चालू कर दिया। हमें तो जब हम 5 में पढ़ रहे थे तभी से हम ये काम कर रहे हैं। तो इसका भरण पोषण क्या है, जैसे मान लीजिए कि बरसात में हम फर्नीचर का भी काम करते हैं ऑलरेडी, तो हम फर्नीचर का काम करते हैं, बारिश में हमारा काम नहीं चल पाता है, इसलिए जो है कि हम ये बिजनेस अपना है। बरसात में ये पूरा बरसात हमारा काम चलता है 4-5 महीने, जिसमें हम लोगों का पूरा खर्चा, बीवी बच्चे का, परिवार का खर्चा इसी से चला जाता है।